लिखने में तकलीफ, राइटर्स क्रैम्प्स, उसके बारे में एक केस स्टडी मैं आपको सुना रहा हूं। आइए, आपका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळेकर। मैं मनोविकार से एक रोग सम्मोहन तथा व्यसनमुक्ति के महाराष्ट्र में मुंबई पुणे अकोला यहां प्रैक्टिस करता हूं। ये जो व्यक्ति मेरे पास में आए, उनकी करीब करीब उम्र 50 साल की, वो कहीं गवर्नमेंट जॉब में थे मगर उनको VRS लेनी पड़ी और उनको प्रॉब्लम ये है कि उनको लिखने में तकलीफ है। लिखने के समय बहुत उनको घबराहट होती है, हाथ में दर्द होता है, हाथ बहुत कड़क हो जाता है, ऐसा कड़क हो जाएगा हाथ, बहुत भारी भारी हो जाएगा हाथ, कांपेगा लिखने के समय, और फिर उसका लिखना होता ही नहीं आगे चल के। तो उसके वजह से उनको जॉब छोड़ना पड़ा, क्योंकि जॉब उनका जो था उसमें लिखने का काम है नेचुरली, और जब लिख सकते नहीं है और कोई सामने दिखा, सामने कोई खड़ा है, तो फिर और लिखने में तकलीफ, फिर तो लिख ही सकते नहीं। बॉस ने समझो बुलाया, अधिकारी है, सामने कोई खड़ा व्यक्ति है बड़ा, उसके सामने लिखना मुश्किल है। चेक के ऊपर वो सही नहीं कर सकते, क्योंकि वो चेक के ऊपर सही करने लगा तो पहले धड़कन हो जाती कि अभी मैं लिख सकूंगा कि नहीं लिख सकूंगा, तो बिल्कुल लिख नहीं पाते। और उनको अभी ये कम से कम 3-4 साल से ये प्रॉब्लम होना शुरू हो गया। बचपन से वैसा उनको लिखने में प्रॉब्लम था कि हाथ कांपते थे, मगर वो चलता था। अक्षर अच्छा नहीं करके उन्होंने मार भी खाई कि अक्षर सुधरता नहीं है, मगर वो अक्षर वैसे रही, पास होते गए तो कोई प्रॉब्लम आया नहीं। और बचपन में उनको ऐसा पता नहीं था कि ऐसी कुछ बीमारी है राइटर्स क्रैम की, और फिर इसमें अच्छा होना मतलब अच्छा हो सकता है करके। अभी जब मेरे पास में आए तो पहली बार आए इलाज करने के लिए, मैंने उनको बोला कि ठीक है, ये जो है हाथ, इसमें बहुत ही आपका स्टिफनेस हो रहा है और ये एंग्जाइटी की वजह से ज़्यादा होता है, परफॉर्मेंस एंग्जाइटी की, कोई देखता है तो फिर ज़्यादा ही कड़क हो जाता है और ज़्यादा ही हाथ कांपना शुरू हो जाता है। तो मैंने अभी आपको हिप्नोटिज्म मैं दूंगा, हिप्नोथेरेपी करूँगा, और उनको मेडिसिन भी दिया कि जिससे हाथ का कांपना कम हो जाएगा, और उनको काफ़ी फायदा हो गया। क्योंकि हिप्नोथेरेपी में क्या होता है कि हम उनको कल्पना करने के लिए बोलते हैं कि भाई आप रिलैक्स है और रिलैक्स होके आपके सामने कोई खड़ा है और आप आराम से लिख रहे हैं, ऐसा उनको विजुअलाइज करने के लिए बोला, रोज सेशन लेने के लिए बोला, मैंने सिखाया उनको, दवाई भी चालू किया और उनको प्रैक्टिस दिया कि भाई आप कोई भी व्यक्ति को सामने रखो, हाथ ऐसा पूरा मतलब एल्बो से लेके हाथ ऐसा पूरा नीचे रखो, सपोर्ट दो टेबल के ऊपर हाथ रख के, और फिर पूरा हाथ रिलैक्स करो और आराम से लिखो, ऐसे उनको डेली प्रैक्टिस करने के लिए बोला। तो ऐसी ये डेली प्रैक्टिस, हिप्नोथेरेपी, मेडिसिंस, उसमें उनको राइटर्स क्रैम में बहुत ही आराम पड़ गया। जो नंबर दिए है उसके ऊपर आप कॉल कर सकते हैं, ऑनलाइन कंसल्टेशन हम आपके लिए उपलब्ध करवा सकते हैं, आप ऑनलाइन कंसल्टेशन करो और आप अपने जो प्रॉब्लम है, समस्या है, उसकी चर्चा हमारे साथ में कर सकते हैं। हमारा ऐप है, वो ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, वो ऐप में फ्री चैटिंग की सुविधा उपलब्ध है और काफ़ी ऑनलाइन कोर्सेज भी वो ऐप में हैं, वो भी आप ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू वेरी मच।